सर, आज गुड़ी पड़वा है और नवरात्रि का फर्स्ट डे है, सबसे पहले तो उसकी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और मेरे तरफ से सबको, मतलब दर्शकों को और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं गुड़ी पड़वा की एंड नवरात्रि ऑल्सो। तो जय माता दी। सर, आपका बहुत ही बड़ा कैरियर रहा है, आपके फिल्मों के जो गाने हैं वो बहुत ही फेमस हुए हैं, लोगों ने खूब सुना है, चाहे वो आशिकी टू का हो, चाहे वो और अन्य गाने हो, ये सब गाने आपके अमर हैं। सर, अपनी इन सब जर्नी के बारे में स्टार्टिंग से बताएं, तेरी याद से जो आपने शुरू किया। राइट राइट। एक्चुअली मेरा जो जर्नी है, सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि कोलकाता से शुरू हुआ है जर्नी। और मेरा फैमिली में ना 18th जनरेशन हूँ, दैट वी आर इनटू म्यूजिक, 18th जनरेशन वी आर इनटू म्यूजिक। तो मेरे फादर जो है थे, ही वाज अ ग्रेट अकॉर्डियन प्लेयर, माय ग्रैंडफादर वाज अ क्लासिकल सिंगर, बहुत अच्छा गायक कलाकार थे। उससे पहले ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर सितार बजाते थे। तो ये है हमारा म्यूज़िक तो ब्लड में ही है। तो पहले मैं इंस्ट्रूमेंट सीखा हूँ और कलकत्ता में मैं मम्मी के पास में गाना सीखा हूँ। रविंद्र संगीत से मेरा करियर शुरू हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर। आप सब जानते हैं बंगाल में जो लोग रहते हैं वो रविंद्र संगीत डेफिनेटली करते हैं या सुनते हैं। तो ऐसे ही मेरा करियर शुरू हुआ और डैडी से मैं इंडियन क्लासिकल और इंडियन म्यूज़िक के बारे में उनसे सीखा है मैं। और बहुत बहुत गुणी लोगों से मैं काफ़ी संगत किया है एज अ गिटार प्लेयर। कोलकाता में जैसा गीतश्री, संध्या मुखर्जी, आरती मुखर्जी, मन्ना डे, तो इनके साथ, सबके साथ मैं एज अ गिटार प्लेयर मैंने काम कर चुका हूँ। और ये मेरा लाइफ में ब्लेसिंग्स है, इन लोगों के साथ मैंने संगत कर पाया हूँ। और माय गुरुजी सर कार्लटन कीटो, उनसे मैंने गिटार सीखा हूँ। जैज़ म्यूज़िक, वेस्टर्न म्यूज़िक उनसे ही मैंने सीखा। और अभी मैं आ रहा हूँ, मैं बॉम्बे में शिफ्ट हुआ 96 जनवरी, काफ़ी साल हो गया बॉम्बे में। और यहीं पे करियर शुरू हुआ, हम लोग दोनों एक साथ काम शुरू किया था, मैं और प्रीतम दा, जीत प्रीतम नाम से। और संजय गढ़वी का फिल्म था वो तेरे लिए, आफ्टर दैट मेरे यार की शादी है, यशराज फिल्म्स। इसके बाद हम लोग दोनों अलग अलग काम करना शुरू किया। मैं काफ़ी बंगाली फिल्म्स में काम किया है और वहाँ पे 2004 से बंगाली में जो फिल्म बनता था उसमें काफ़ी सारा, आई थिंक नियर अबाउट 100 फिल्म्स में मैंने म्यूज़िक किया बंगाली में। एंड आफ्टर दैट मुकेश जी भट्ट साहब फिर से मुझे मौका दिया है 2012 में, जो था ब्लड मनी, आप सब सुने होंगे, जो तेरे संग काटी राते, या मैं तो बस तेरी चाहत में, ये सब गाना था, सुपर हिट हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि एक फिल्म आ रहा है, उनका नाम है आशिकी टू। तो सुन के तो मेरा हाथ ठंडा हो गया, मतलब पसीना पसीना आ गया। तो आई कॉल्ड माय फादर, सो डैडी क्या करे, सो ही यूज टू प्ले विथ महेश भट्ट जी एंड मुकेश जी, ही हैज़ प्लेड सो मेनी सॉन्ग्स फॉर सलील चौधरी, पंचम दा। तो उन्होंने कहा कि बेटा लड़ जाओ, हाँ ऐसा मत सोचो, करो। मेरा डर क्या था कि आशिकी वन का गाना अभी भी हम लोग सुनते हैं, वो सुपर हिट है। तो आशिकी टू में शुरू करने से पहले इसलिए डैडी को मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे हिम्मत दिया और सारे दोस्तों जो है, दोस्त लोग हैं सब, बोला कर जा करके तो हो गया आशिकी टू, वो भी सफल हो गया आप सबका प्यार में और आशीर्वाद से।
बस इसके बाद जो काम शुरू हुआ सेटेलाइट्स, हंसल मेहता सेटेलाइट्स, मुस्कुराने की वजह तुम हो, आप सब जानते ही हो वो गाना, फिर सुनो ना संग मरमर ये गाना, फिर खामोशिया बातें ये कभी ना तू भूलू ना, अभी गाते गाते बोलता हूँ काफ़ी सारा गाना है याद नहीं आ रहा है, फिर तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, फिर देखा हजारों दफा पुरुषतम, काफ़ी गाना, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, ये फिल्म आया, फिर काफ़ी सारा फिल्म आया, अभी लास्ट जो मेरा सुपर हिट हुआ जो गाना है वो, सुना है तेरे दिल में मेरा कहीं ना छुपा है, ये भी गाना। सो ये सारे गाने जो है, मैं सोचता हूँ एक ही चीज़ कि हमारा जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो आप लोगों का प्यार और क्लैपिंग्स, जहाँ जहाँ जाता है वो तालियों का जो साउंड है ना वो चाहिए हमेशा कान में, और जब आप, मैं जब शोज़ में गाना गाता हूँ तो आप जब साथ में गाते हो, जैसे मुस्कुराने की वजह तुम हो शुरू हो जाते हो, तो ये मेरे लिए एक म्यूज़िक डायरेक्टर के करियर में, एक सिंगर के करियर में इससे बड़ा अवार्ड आई थिंक और कुछ नहीं है जो आप लोग साथ देते हो। तो अभी जो एक्साइटमेंट और जो ख्वाहिश लेके मैं बैठा हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये न्यूज़ जो है आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा खुद का एक म्यूज़िक चैनल मैं ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा सिंगर्स, नए नए सिंगर्स, कलाकार, लिरिसिस्ट, कंपोज़र मुझे गाना भेजते रहते हैं, लेकिन मेरा कुछ ऐसा नहीं है ऑप्शन कि उनको मैं रिकॉर्ड करूँ। मतलब आप सोचिए ना, आपके घर में आपका भाई या बहन गाना गाते हैं, आप भेज दिया मुझे गाना, बहुत अच्छा लगा उनका आवाज़, मैं क्या करूँ, मेरा हाथ में तो कुछ है नहीं, लेकिन एक छोटा सा अगर चैनल खोले, फिल्म करना तो चलता ही रहेगा, जैसा ओरिजिनल्स करता हूँ तो चलता ही रहेगा, लेकिन कुछ गाना होता है, कुछ सिंगर्स होता है, कुछ लिरिसिस्ट होता है, कोई कंपोज़र होता है, वो दिल को छूता है, वो मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं चैनल्स ओपन किया। प्लीज़ आप वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दीजिए, चैनल का नाम है अजीत गांगुली ओरिजिनल्स, अब भी रिलीज़ हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ये चैनल में जैसा जो ऑलरेडी जो लोग फिनोमिनल सिंगर्स है हमारे इंडस्ट्री का, सारे लोग सब गाएंगे, उनके साथ नए लोग आएंगे जिनको आप लोग सुने नहीं, मतलब सुना नहीं आप लोग, मैं एक बार सुन चुका हूँ, उनको अच्छा लगा तो स्टूडियो में आया, यही मेरा स्टूडियो है, सब कुछ है, यहाँ पे रिकॉर्ड किया और आपके लिए नया गाना एक ऐसा मैं करना चाहता हूँ, तो यही मेरी ख्वाहिश है और साथ दीजिएगा, बस थैंक यू सो मच। सर आपने प्रीतम दा के साथ काम किया और अन्य लोगों के साथ भी काम किया है, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ है, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग किसके साथ रहा काम करने में? नहीं, ये एक मिनट है, वो तो दो दो गाना में, दो फिल्म हमने, सॉरी दो फिल्म हमने एक साथ किया, डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, एंड थैंक्स टू राजकुमार हिरानी एंड संजय गढ़वी जो पहला ब्रेक दिया था हम दोनों को, आफ्टर दैट यश चोपड़ा जी, आदित्य चोपड़ा, वो लोग बहुत मदद किया हमको, और इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड यस। सर आपने जितने गाने गाए हैं वो लोगों के जुबान पे बस गए हैं, ये क्या गॉड ग्रेस है या आपके मैजिक है ये? एज अ कंपोजर मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, शायद ये काफ़ी कंपोजर्स भी बोलेंगे आपको, कि कैसे गाना बनते हैं ये हम लोग नहीं जानते हैं, ये ऊपर से आता है, जब लिंक होता है, जब उनको देना होता है वो दे देते हैं, क्योंकि आप कैसे बना गाना बनाओगे और फिल्म का सिचुएशन, जैसा मेरे पास जब हमारी अधूरी गाने का सिचुएशन आया या खामोशिया का सिचुएशन आया, तो मैं ऐसा नहीं है कि गिटार लेके बैठ गया और गाना आ गया, ऐसा नहीं होता है, काफ़ी होता है ऐसा कि सारे कंपोजर का होता है, कीबोर्ड में बैठे हैं, हारमोनियम में बैठे हैं, गिटार के साथ बैठा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन रास्ते में जाते जाते दोस्त के साथ गपशप मारते मारते एक गाना आ गया और रिकॉर्ड कर लिया, ऐसा काफ़ी टाइम मेरे साथ भी होता है,
तो मैं ये सोचता हूँ कि आप जब चाहो वो गाना नहीं बन सकता, जब ऊपर वाला चाहे तो आपके पास गाना आता है, दैट इज माई बिलीव। वैसे तो सर आपके जितने भी गाने हैं दर्शकों के बेहद दिल के करीब हैं और लोग गुनगुनाते रहते हैं, लेकिन अगर उनमें से कोई गाना आपको कभी मौका मिलता है कौन सा आप गुनगुनाते हैं? देखिए सारे गाने जो होते हैं ना वो सारे बच्चे होते हैं, वो तो मतलब ऐसा नहीं बता सकता हूँ कि मेरा छोटा बेटा जो बहुत अच्छा है, बड़ा बेटा जो है वो अच्छा नहीं है, ऐसा कभी नहीं बोल सकता हूँ। सारे गाने अच्छे हैं और नए नए सारे गाने जो आ रहे हैं वो भी सब दिल से ही बना रहा हूँ मैं, दिल से ही काम कर रहा हूँ। बट डेफिनेटली कुछ गाना तो होता है, जैसा हमारी अधूरी कहानी, डेफिनेटली वो एक होता है, आशिकी का सब सारे गाने, फिर ये गाना, तू ही ये मुझको बता दे चाहूं मैं या ना, ये सारे गाने मुस्कुराने की वजह तुम हो, सुना तो आपके लिए, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे ओरे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे पिया रे। सर आपके जितने भी गाने हैं वो तो बाकमाल हैं, और आपने बताया भी कि वो जब आप करते हैं उनका, जब म्यूजिक डिजाइन कर रहे होते हैं तो वो चीजें ऊपर से आ जाती हैं, ऐसा कोई मिरेकल आपको कोई याद है कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी डेफिनेटली, एक तो मैं शेयर कर ही रहा हूँ। एक्चुअली मुझे जब भट्ट साहब ने और मुकेश जी ने ये हमारी अधूरी कहानी का स्टोरी बताया, वो भट्ट साहब का खुद का कहानी है ये, तो ही वॉज क्राइंग। एंड जब मैं म्यूजिक सीटिंग करता हूँ ना, मतलब स्टोरी सुनता हूँ, मेरा हाथ में ना गिटार रहते हैं हमेशा, जैसे आपसे अभी बात कर रहा हूँ ना, हाथ में गिटार है, हाथ में अगर नहीं है तो यहाँ पे तो है ही है, देखिए ये इसको बगैर मैं चल नहीं सकता हूँ। तो ऐसे ही सुन रहा था कहानी, सुनते सुनते फट करके ये आ गया था, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, ये दो लाइन आया था पहले, आपको मैं बता रहा हूँ, जो सारे आज न्यू कमर्स है कंपोज कर रहे हो आप लोग, जो लिख रहे हो, जो गाना गाते हो, कभी क्या आता है देखो ये स्टोरी, क्या ये दो लाइन आया, लेकिन ये दो लाइन तो है, ये लास्ट का पोर्शन है ना, तो भट्ट साहब आके मुझे गले लगा लिया, मुझे चला बेटा क्या गाना है, लेकिन मेरा तो ऐसा हार्ट बीट और बढ़ गया, क्योंकि ये एंड का पार्ट मैंने बनाया, अभी शुरू का पार्ट क्या होगा, होता क्या है कि शुरू करके फिर एंड का पार्ट आता है, मैंने एंड का पहले ही कंपोज कर लिया, तो अभी शुरू का क्या होगा, मेरा पूरा दिन गया, दूसरा दिन भी चला गया, अभी मुकेश जी का फ़ोन आता है, उनका साथ फ़ोन में ही गाना हो जाता है, तो बेटा गाना क्या होगा, मतलब सर एक दिन और दे दीजिए, तो नहीं आ रहा है नहीं आ रहा नहीं आ रहा है। एक बार रात को मैं सो गया था, और मैं क्या बताऊँ आप लोगों, बस आए दूरियां फिर भी कम न हुई, एक कहानी सी हमारी कहानी रही, ये आया सपने में ड्रीम में, तो मैं अचानक ऐसा धड़ करके उठ गया, तो वाइफ बोल रहा क्या हो गया तुमको, मैं बोला फोन दो जल्दी, तो मैंने वही नींद में ही मैंने रिकॉर्ड कर लिया कैसे भी करके, तो ये हुआ मुखड़ा, मतलब शुरुआत का। फिर एक दिन बाद ये देखिए जो ऊपर का पोर्शन था ना, रंग थे नूर का जब करीब
ब्रिज हुआ उस टाइम, तो मैं बच गया। मतलब ब्रिज जो था वो काफ़ी खूबसूरत हुआ और मोहित ने क्या अच्छा शूट किया है, एंड इमरान हाशमी एंड विद्या जी दे वर फिनोमिनल, फैंटास्टिक। तो ये गाना ऐसा करके पूरा हुआ, फिर जाके अंतरा बना। तो कब क्या होता है ना, कुछ पता नहीं, हम नहीं कह सकते कि अभी लेके बैठे गिटार लेके बैठे गाना बना दो, तो ये होता है। सर अभी आपने बताया कि आपका नया यूट्यूब चैनल लॉन्च हो रहा है, इसके लेकर के मतलब नए न्यूकमर्स के लिए क्या ऑप्शंस हैं या उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं वो बताएं। डेफिनेटली आज इंडिपेंडेंट म्यूजिक एक दायरा मिल गया, सब लोग बना रहे हैं, ओरिजिनल्स बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट म्यूजिक का बहुत एक्चुअली देखिए म्यूजिक हर जगह में होता है, फिल्मों में भी होता है, फोक म्यूजिक होता है, और हम सोचते हैं कि म्यूजिक का कोई एक ही जॉनर नहीं होना चाहिए। क्यों एक ओनली फिल्म म्यूजिक हो या ड्रामा का म्यूजिक हो या फोक म्यूजिक हो, म्यूजिक इज म्यूजिक। आप पॉप बनाओ या फिल्म में म्यूजिक करो या ओरिजिनल्स करो या थिएटर में म्यूजिक करो, म्यूजिक ही तो है। तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक जो है ये क्या होता है कि आपका जो दिल में ख्वाहिश है, जो गाना आप सोचते हो कि ये बहुत अच्छा गाना है मुझे रिलीज करना चाहिए, बहुत सारे कंपोजर्स हैं, मुझे भेजते रहते हैं कितना सारे नए नए कंपोजर्स, नए नए लिरिसिस्ट, नए नए सिंगर्स भेजते रहते हैं, दादा ये गाना सुनिए, सर ये गाना सुनिए। तो मुझे बहुत बहुत मतलब ऐसा लगता है कि ये गाना अगर मुझे मिल जाए तो मैं रिलीज़ कर दूं। तो ये एक डेफिनेटली ख्वाहिश है, और ये हमारा इंडस्ट्री में, हमारा इंडिया में देखिए टैलेंट का कमी नहीं है, हम लोग पीछे नहीं है, हम लोग आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, और कितने सिंगर्स आ रहे हैं इंडस्ट्री में, तो सब मिलके काम करेंगे। हमारा जो चैनल है जीत गंगोली ओरिजिनल्स, यहाँ पे पुराना सिंगर्स मतलब जो लोग फिनोमिनल है, जो लोग फैंटास्टिक सिंगर्स है ऑलरेडी, वो लोग भी आएंगे गाएंगे, जिनके साथ मैं काम करता हूँ हर रोज़, और इनके साथ नए नए सिंगर्स आएंगे, उनको भी सीखने को मिलेगा। हम चाहते हैं कि एक साथ काम करना है हमको, ऐसा नहीं है कि जस्ट चार पांच लोगों के साथ, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया से हमको काम करना है। सर इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले आपके क्या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, क्या कुछ सॉन्ग्स हैं, या जहाँ पे आप म्यूजिक डायरेक्शन करने वाले, कुछ फिल्में जहाँ पे आने वाले। देखिए मैं अभी अपना चैनल्स जो है वो उसमें काफी सारा गाना बन रहा है अभी, तो उसमें मैं बिजी हूँ। दो तीन फिल्म आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है, मैं नाम तो ले नहीं सकता हूँ। एक विशेष फिल्म का है, कुछ अलग फिल्म्स का है, कुछ एक फिल्म आ रहा है जी म्यूजिक से, तो ऐसा है लाइन में है, लेकिन अभी जो है वो मैं मेरा चैनल का जो है वो ध्यान दे रहा हूँ। इसके साथ ही सर आपसे ये भी मतलब जानना चाहेंगे कि जो आपने ये पूरा चैनल स्टार्ट किया है, इसमें आप नए लोगों को न्यू कमर्स के लिए कर रहे हैं, राइट, तो वो क्या मैसेज देना चाहेंगे नए म्यूजिक जो म्यूजिक करना चाहते हैं, म्यूजिक सीख रहे हैं, उनके लिए फैंटास्टिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो जिस फिल्म में ही काम करे, कोई राइटर हो, कोई गायक हो, कोई कंपोजर हो, वो एक टाइम होना चाहिए आपका प्रैक्टिस का, और विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता। और डेफिनेटली सिंगर्स को सबको सुनना चाहिए, जो नए नए सिंगर्स हैं, डेफिनेटली मैं बोलूँगा लता जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, इनको सुनना ही चाहिए कि कैसा उनका मतलब प्रेजेंटेशन था, कैसे वो लफ्ज़ों जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है, कैसे गाने में लेके आते थे, क्या मिठास है रफ़ी साहब का, वो क्या अदा है, ये सब सुनना चाहिए। तो मैं नहीं कहूँगा कि ओनली इंडियन, बाहर का भी सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए, तो म्यूज़िक ही है। और आप भेजते रहिए, मेरा जो चैनल है उसमें मैं बोलूँगा, और मेरा जो इंस्टा है, फेसबुक है, सारे सोशल मीडिया जो है वहाँ पे मैं बता दूँगा कि कहाँ पे आपको गाना भेजना है, ज़रूर बताऊँगा। आप भेजते रहिए, मैं सुनता रहूँगा, जिनका अच्छा लगेगा डेफिनेटली उनके साथ मैं काम करूँगा। थैंक यू सर, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ही बड़ी है,
बहुत सारे लोग आपके गानों से मतलब सुनते हैं, सीखते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? बस सुनते रहिए और ब्लेसिंग्स देते रहिए, प्रयास करिए, प्रयास के बिना कुछ नहीं होता है। वही मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि आप जब सुनते हो आपको अच्छा लगता है तो लगता है कि हाँ ये जो मेहनत है, जो भी कुछ है, ये सफल हो गया। तो ऐसा ही सिर्फ मुझे नहीं है, जो जो लोग नए कलाकार जो आ रहा है काम करने के लिए इंडस्ट्री में, उनको भी आप ब्लेसिंग्स दो, उनके साथ भी रब रहो। थैंक यू। ठीक था ना?